पत्तियां सिकुड़ने का मतलब होता है थ्रिप्स, और इसके इलाज के लिए आगे ये वीडियो हमारा देखते रहेगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको, हेल्पफुल वीडियो आपको मिल सके। तो मैं बात कर रहा था थ्रिप्स के बारे में। अगर आपके पौधे, मतलब मैं जो अभी टोमेटो का जो ये पौधा दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर थ्रिप्स आया है, तो आप देख सकते हैं इसकी जो पत्तियाँ है ऊपर की तरफ सिकुड़ गई हैं, मतलब ऊपर की तरफ, यानी कि ये 100% थ्रिप्स है। और जैसे नीचे की तरफ सिकुड़ती है तो थ्रिप्स नहीं होता, वो जो उसे माइटा कहते हैं, तो अलग प्रकार का है। और ये देखिए, ये जो है कलिंगड़ का भी हमारे पास रूप है, तो इसके ऊपर भी थ्रिप्स आया है और इसकी भी पत्तियाँ ही जो ऊपर की तरफ सिकुड़ गई हैं। एक्चुअली थ्रिप्स क्या करता है, थ्रिप्स जो है वो पत्तियों का रस चूसता है, यानी कि पत्तियों का जो सेल होता है, पत्तियों के अंदर सेल होते हैं, उसको खा जाता है। तो वो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो पत्तों के अंदर होता है। तो इसके लिए आपको मैं जो है इसके लिए इलाज बता देता हूँ। आप जब केमिस्ट शॉप में जाएंगे तो आपको सिर्फ कहना है कि मुझे जो है इंसेक्टिसाइड चाहिए, सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड चाहिए। ओके, सिस्टेमेटिक, सिर्फ सिस्टेमेटिक ही इसके ऊपर काम कर सकता है, थ्रिप्स के ऊपर। जब आपकी पत्तियाँ नीचे की तरफ सिकुड़ जाती हैं तो उसके लिए अलग होता है। तो आपको कौन सा भी इंसेक्टिसाइड आपको नहीं मानना इसके लिए, तो आपको सिस्टेमेटिक ही मानना है। तो आगे देखिए मैंने किस तरह से इसे मारा।